अगले हफ्ते तीन बड़े शोज में तीन बड़े धमाके होने वाले हैं। ये तीन बड़े शोज हैं शादी मुबारक, बैरिस्टर बाबू और अनुपमा। ये तीनों शोज जो हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तीनों शोज टीवी टीआरपी में हैं। अनुपमा तो नंबर वन पर है, बैरिस्टर बाबू की बात करें तो ये पांचवें स्थान पर है और शादी मुबारक भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, नौवें स्थान पर है। आपको बताते चले कि आने वाले हफ्ते में इन सारे शोज में कई बड़े ट्विस्ट और कई धमाके होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुपमा की। अनुपमा में अनुपमा को होश आ चुका है। अनुपमा जो है वो काफ़ी शॉक्ड है। अनुपमा वनराज और काव्या के रिश्ते की सच्चाई अब जान चुकी है, जहां देविका को भी मालूम चल गया है कि कैसे वनराज काव्या अनुपमा के सामने ही इंटीमेट हो रहे थे। अब ऐसे में अब अनुपमा जो है एक बड़ा फैसला ले लेगी। अनुपमा अपने नाम के साथ वनराज का नाम हटा देगी। अनुपमा अपने सारे रिश्ते वनराज से तोड़ लेगी। वो अपने मंगलसूत्र को भी जला देगी और साथ ही साथ वनराज से ये भी कहेगी, अब मेरा फैसला सिर्फ मेरा होगा, इसमें आप कहीं नहीं होंगे। हालांकि अनुपमा अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगी। उसे मालूम है कि इस फैमिली में तीन बच्चे, बा और बाबूजी भी हैं। अगर वो ऐसा करेगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पूरी की पूरी फैमिली आ सकती है। ऐसे में वो वनराज से रिश्ते तोड़ लेगी। अब आपको बता चले कि अब बात करते हैं शादी मुबारक की। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजश्री जो है वो शो छोड़ने वाली है। सोमवार से आप देखेंगे कि रति शो में आ चुकी है। रति के शो में आने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी शो में ट्विस्ट आएंगे, जहां अब आगे के इवेंट्स के बारे में अब प्रीति जो है सारी जानकारी लेगी, किस तरीके से किसे करना है, क्योंकि 28 दिन का समय उसे भी मिला है अपने बेटे से और वो चाहती है कि जल्द से जल्द हो। मिसेस गोबलानी का जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है बेटी की शादी का, वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। प्रीति उसमें जी जान लगा देगी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी जिसकी वजह से प्रीति को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैरिस्टर बाबू की। जी हाँ, बैरिस्टर बाबू जो कि लोग इसे अभी बहुत पसंद कर रहे हैं और इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा भी चल रहा है। आपको बता दें कि आने वाले हफ्ते में बोंदिता अनिरुद्ध एक हो जाएंगे। विजयदशमी के दिन आप देखेंगे कि दोनों एक साथ इस पर्व को मनाएंगे, दुर्गा माँ के सामने पूजा अर्चना भी करेंगे, दोनों बेहद खुश नजर आएंगे। जहाँ ताराबाई का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो वहीं सौरव अनिरुद्ध की समझदारी से बोंदिता वापस भी आ जाएगी। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं हफ्ते के लिए, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।